रायबरेली ऊंचा हार कोतवाली क्षेत्र के बहेरवा चौराहे निकट एक घर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनटीपीसी परियोजना की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की फायर यूनिट ने आग पर काबू पाया। कोतवाली क्षेत्र के बहेरवा गांव शिवशंकर अग्रहरी अपने परिवार के साथ ऊंचा हार सलोन मार्ग पर चौराहे के निकट मकान बनाकर निवास करता है। बुधवार की सुबह से उसके घर पर रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। इस दौरान रात लगभग 9 बजे खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखे छप्पर में आग लग गई। सूचना के बाद एनटीपीसी परियोजना व पुलिस की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाई। बताया जा रहा है कि आग लगने से करीबन 1 लाख की गृहस्थी जलकर राख हो गई। पीड़ित के बेटे लवकुश की 3 जून को बारात है, इसलिए शादी का सामान भी रखा हुआ था। कोतवाली बालेंदु गौतम ने बताया कि आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड को भेजकर आग बुझाई गई। राजस्थान बारां छिपा बड़ौद चार धाम यात्रा कर लौटे यात्रियों का गांव वालों ने फूलमालाओं व बैंड बाजों के साथ स्वागत किया। गांव वालों ने राधा कृष्ण मंदिर पर नाच गाना के साथ पूरे गांव ने स्वागत किया। चार धाम यात्रा से आए राजेंद्र मालव, रुक्मणी बाई, बद्रीलाल मालव, मूली बाई, प्रभुलाल मालव, कृष्णा बाई, यात्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उसके बाद एक दूसरे से गले मिले। चार धाम यात्रा कर लौटे यात्रियों ने चारों धामों का महत्व व परिदृश्य के बारे में बताया और गाजे बाजे के साथ पूरे गांव में जुलूस निकाला और वीर तेजाजी महाराज के दर्शन किए। भारत की आज़ादी के बाद देसी रियासतों के विलीनीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अहम भूमिका निभाई गई। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल को भी तत्कालीन शासक हमीदुल्लाह खान से सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1 जून 1949 को मुक्त कराया गया। इसी उपलक्ष्य में 31 मई को शाम को समूचे भोपाल में उत्सव के रूप में गौरव यात्रा निकाली गई। पीर गेट चौराहे पर कर्फ्यू वाली माता मंदिर से गौरव यात्रा जुमेराती बाजार से गुजरी, जहां जगह जगह व्यापारी संघ द्वारा पुष्प वर्षा कर पूरा बाजार पाट दिया गया। गौरव यात्रा में भारत माता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा भोज और रानी कमलापति की रंगीन रोशनी से सजी आकर्षक झांकियां निकाली गई। इंदौर और पुणे के ढोल द्वारा आसमान गुंजायमान कर दिया, वहीं बैंड बाजे और डीजे पर देशभक्ति के तराने गूंजे। महिलाएं हाथों में तिरंगा ध्वज थामे चल रही थी। मैं धर्मेंद्र कुमार राजपूत, उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग शिक्षा में, आज अपने अधीक्षा वेता इंजीनियर एनपीसी साहब के निर्देशों के अनुपालन में अपने साथी वेता इंजीनियर अमित कुमार साहब के साथ अपने अधीनस्थ आवार वेता इंजीनियर राहुल कुशवाजी, इंजीनियर स्वतंत्र यादव जी के साथ ग्राम बामई एवं ढकपुरा में औचक निरीक्षण किया। तो हम लोगों ने 15 लोगों को पाया कि वह लोग अपने परिसर पर स्थापित मीटर को आने वाली केबल में कटकर अथवा एक अलग से केबल डालकर परिसर पर स्थापित मीटर को बाईपास करके अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। सभी 15 लोगों के खिलाफ अवरेंद्र राहुल कुशवाजी एवं स्वतंत्र यादव जी के द्वारा एनडी थर्ड थाना आसमान में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। साथ ही उक्त दोनों गांवों में हमारी टीम के द्वारा लगभग 71 घरेलू उपभोक्ताओं पर 18,46,000 रूपए विद्युत बिल बकाया होने पर सभी लोगों के कनेक्शनों को पोल से खुलवा कर केबलों को नीचे करवा दिया गया है। साथ ही दोनों गांवों में 33 ऐसे भी उपभोक्ता मिले जिनके परिसरों पर 1 किलोवाट से अधिक का लोड चल रहा है, जबकि उनका स्वीकृत भार 1 किलोवाट है। सभी 33 लोगों के घरों के लोड को विद्युत विभाग के द्वारा मौके पर बढ़ाया गया है। मेरा उन सभी उपभोक्ताओं से सादर अनुरोध है। रायबरेली में जलकल विभाग में तैनात मिस्त्री
व उसके दो सहयोगियों को करंट लगा। हेडपंप बनाते समय हुआ हादसा। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिस्त्री व सहयोगी की हालत गंभीर। नगर पालिका अध्यक्ष समेत स्टाफ के कर्मचारी अस्पताल परिसर में मौजूद। दो लोग आए हैं, गोरख प्रसाद 50 साल और बिंदादीन 45 साल। इनको बिजली का कहीं शॉक लग गया, झटका लग गया, जिस वजह से यहाँ आए थे। एक तो बिंदादीन तो बिल्कुल नॉर्मल है, और फिर भी उनका फर्स्ट एड किया गया, कहीं चोट नहीं है, इंजेक्शन वगैरह लगे। और गोरख प्रसाद नॉर्मल है, बिंदादीन को एडमिट किया गया। कहाँ से आए? ये जलकल विभाग के बता रहे हैं, अब कहाँ से हैं ये नहीं पता। के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की हंसी खुशी का माहौल उस समय गम में बदल गया जब दूल्हे के व्हाट्सएप पर आई कुछ तस्वीरों का वीडियो को देखने के बाद दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर वापस लौट गया। पूरे मामले की बात करें तो 29 मई की शाम दूल्हा बारातियों संग गाँव में पहुंचा, जहाँ वरमाला की तैयारी चल रही थी। दूल्हे को एक युवक ने फोन कर कहा कि व्हाट्सएप चेक कर लो, वो मेरी है। इस बात को सुनकर दूल्हे ने व्हाट्सएप चेक किया, जिसमें होने वाली दुल्हन की तस्वीरें व वीडियो एक युवक के साथ थी, जिसके बाद दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर वापस लौट गया। इसके बाद दुल्हन के पिता की तहरीर पर तस्वीरें भेजने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 30 मई 2023 को थाना शरदगढ़ पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि 29 मई को उसकी बेटी की शादी थाना शरदगढ़ के अंतर्गत एक गांव में तय थी। शादी में वरमाला के दौरान दूल्हे के मोबाइल पर किसी व्यक्ति ने होने वाली दुल्हन का फोटो और वीडियो वायरल कर दिया, जिसके कारण लड़का पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस कारण प्रार्थी ने बताया, अपनी तहरीर में ये लिख के दिया कि इस कारण से लड़की पक्ष को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते थाना शरदगढ़ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 66E IT Act व 509 IPC के तहत मुकदमा 30 मई को दर्ज किया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।